अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम माई चैनल किड्स एंड लाइफ। आज मैं वीमेंस की लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ तो ज्वेलरी मेकअप के बिना अधूरी है। तो मैं ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाली हूँ आपको कि हम अपनी ज्वेलरी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे उसमें स्टेन्स ना लगे, कैसे उसको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चला सकते हैं और एक दूसरे में फंसे ना, टूटे ना। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा छोटा सा ज्वेलरी कलेक्शन, वो भी मैं दिखाते हुए चलूँगी। सबसे पहले तो आप अपनी ज्वेलरी को रखने के लिए इस तरह के पाउचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग रखे, एक किसी बॉक्स में रखें ताकि वो एक दूसरे में फंसे नहीं। साथ ही इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, इस तरह के बॉक्स में भी रख सकती हैं आप। ट्रांसपेरेंट पाउच आते हैं, उसमें रख सकते हैं आप। हमारे घर में अक्सर इस तरह के पर्स होते हैं जो ज्वेलरी शॉप से मिलते हैं, इसमें रख सकते हैं आप। आप अपनी ज्वेलरी का बहुत ही ख्याल रखें, क्योंकि ये जो ज्वेलरी होती है ये ऑल्सो बहुत एक्सपेंसिव होती है। ये कोई सस्ती ज्वेलरी नहीं होती। हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती हैं ये भी महंगी ज्वेलरी में आती हैं। तो हम अगर इनका अच्छे से ख्याल रखें तो ये हमारे साथ हमेशा रहेंगी, अगर हम इनका साथ चाहते हैं तो। तो मैं ऐसे ही कुछ आपको अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ, जैसे कि ये वाली। ये थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी है, इसको मैं किसी हैवी फंक्शन में ग्रीन सूट के साथ कैरी करती हूँ। दूसरी मेरी ये रेड वाली जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे ख़रीदी थी, जो आज भी वैसे ही की वैसी ही है। ये देखिए, वैसे की वैसी ही है। और ये मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझको गिफ्ट करी थी, ये मुझे बहुत ही पसंद है। ये मुझे कि वाइट सूट के साथ भी कैरी कर लेती हूँ। और ये इसके कान के हैं, ये कान के हैं, और मैं गोल्डन वाइट किसी के साथ भी कैरी कर सकती हूँ इसको। ये वाला मेरा जो है सेट, सॉरी ये वाला, ये भी जो है मैंने दुबई से ख़रीदा था। ये गोल्ड जैसा लगता है लेकिन ये गोल्ड का बिल्कुल भी नहीं है, ये गोल्ड प्लेटेड है। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं ज़्यादातर कैरी करती हूँ। और जो मेरी हल्की ज्वेलरी में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मेरा ये वाला है फेवरेट। ये मेरे कान के हैं, ये देखिए, और ये गले के हैं, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, ये मैं ज़्यादातर कैरी करती हूँ। और ये हैं, ये गले के हैं, ये कान के हैं, और एक ये है छोटा सा, ये एडी का सेट शायद कहलाता है, ये उसमें के हैं, ये गले का है। इसके बिल्कुल छोटे छोटे से कान के हैं जो हम किसी भी छोटे से फंक्शन में कैरी कर सकते हैं, बर्थडे में या छोटी मोटी किसी के घर जा रहे हैं तब कैरी कर सकते हैं। और ये मेरा भी, ये भी बहुत मेरा फेवरेट है, ये पिकॉक हैं, ये ब्लैक सूट के साथ वाइट सूट के साथ कैरी करिए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये दोनों, मुझे बहुत ही पसंद है ये। और ऐसे ही कुछ मेरे कलेक्शन हैं जो आप इस तरह के पाउचेस में, हाँ इस तरह के पाउचेस बहुत ही सस्ते होते हैं, ये आप ले सकते हैं, इस तरह के पाउचेस भी रखें। देख इसमें, देखिए मैंने ये एक साल पहले ख़रीदा था, बहुत बार पहना है मैंने, मतलब हर शादी में इस बार तो यही पहने हैं, क्योंकि ये काफ़ी फैशन में है। तो मैंने सोचा फैशन निकल जाने से पहले इनका अच्छे से इस्तेमाल कर लूँ, तो मैंने इस तरह के पाउच में रखा है। तो मेरा कहने का यही मकसद है, आप अपनी ज्वेलरी जब ख़रीदें तो उनका ख्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छे बुरे जो भी कमेंट हैं वो मुझे बताएं, मेरी गलतियां बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।